दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे विद्याधरा शक्ति के बारे में। ऐसी कहानी जो आपने नहीं सुनी होगी, विद्याधारिणी जो होती हैं एक ऐसी प्रजाति है जो हिमालय के क्षेत्रों में रहती है और ये जो है भगवान शिव के सहचर माने जाते हैं। इनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। बौद्ध धर्म में भी विद्याधरों का उल्लेख आता है और शिवों के हजार जो है गण हैं उनमें शिव जी की जो है उनके साथ में इनकी जो है पूजा की जाती थी। तो ये शक्तियाँ बहुत काल पहले अपने आप को गुप्त कर ली, यानी यूँ कहिए कि अपने आप को छिपा ली, क्योंकि संसार में इन चीज़ों का वर्चस्व अपने आप को दिखाने से ये लोग छुपाते थे। तो असल में ये धरती पर रहते थे और उपदेव के रूप में इनको विख्याति प्राप्त थी। उपदेव का मतलब होता है जैसे कि देवता होते हैं, देवता के ऐसे स्वरूप जो धरती पर रह रहे हैं लेकिन उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो उन्हें देवता जैसे ही समझा जाने लगता था कि ये देवता है। जैसे कि कोई अगर बहुत बड़ा तांत्रिक हो गया और बहुत बड़ा जो है सिद्ध योगी हो गया तो उसको हम देवता ही मानने लगते हैं, जीवित देवता। उसी तरह जीवित देवता के रूप में विद्याधरों को माना जाता था। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है वज्रयोगिनी मंदिर, जो है नेपाल में स्थित है। ये सांखू में स्थित मंदिर है। यहीं पर एक मठ हुआ करता था और उस मठ की शक्तिशाली एक प्रेम्बदा नाम की विद्याधारिणी स्त्री हुई और उसने बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाया उस क्षेत्र में। और हालांकि गोपनीय होकर के वो अपने जीवन से उसने जो जो कार्य किए वो सारी बातें आज के वीडियो में हमें बताऊँगा और इस सीरीज को हम आगे लेके चलेंगे। इस बात के लिए बहुत सारा हमसे बात भी कही जा रही थी कि आप विद्याधरा शक्ति के बारे में भी बताइए। तो विद्याधर कौन होते हैं, विद्याधर क्या होते हैं और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं और सामर्थ्य हैं, तो एक विशेष गोपनीय क्षेत्र है। इसीलिए मैं आज आपके लिए विद्याधर शक्तियों के बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि विद्याधर होते कौन है। विद्या का मतलब ऐसी शक्ति के मालिक जो एक विशेष प्रकार की सिद्धि उनके पास होती है, इस वजह से वो विद्या को धारण करने वाले विद्याधर कहलाते हैं। तो विद्याधर ऐसे ही एक विद्याधारिणी स्त्री हुई जिसका नाम था प्रियंबदा। वो वज्रयोगिनी योगिनी मंदिर की जो थी शक्तिशाली विद्याधारिणी थी। तो उससे जो वहाँ पर कभी किसी जगह में मठ रहा होगा, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जगह है कहाँ पर और यहाँ पर कभी जो है तांत्रिक मठ था तो कैसा था। वज्रयोगिनी मंदिर जो है वो नेपाल में ही स्थित है और ये काठमांडू घाटी के सांखू जगह है, वहाँ पर एक तांत्रिक मंदिर के रूप में विख्यात है, इसको माना जाता है। इसे बोधिसत्व के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का मंदिर परिसर कहते हैं इसको और इसका जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ल के द्वारा बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। वज्रयोगिनी देवी के बारे में वर्णन आता है कि ये तांत्रिक देवी हैं, तांत्रिक देवता के रूप में इनको जाना जाता है और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म दोनों लोगों में इस पर इनको मान्यता प्राप्त है। ये उग्र रूपी हैं, उग्र तारा के नाम से भी इनको कहा जाता है और ये जो मंदिर है ये बौद्ध और हिंदुओं में पवित्र है। तो ये तो हो गई स्थान की बात कि कहाँ की ये कहानी है। उसी स्थान पर प्राचीन समय में एक मठ रहा था। अब ये कितने हजार साल पहले की बात है, कब की बात है, इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप विद्याधरों की शक्तियों के बारे में जान पाएंगे और सभी चीज़ों के बारे में यहाँ जो है वर्णन किया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कहानी शुरुआत होती कहाँ से है। वज्रयोगिनी मंदिर में एक पंडित जी थे, वो पूजा किया करने के लिए आया करते थे, उनका नाम था शंभुनाथ। तो शंभुनाथ अधिकतर मंदिर में आकर के पूजा किया करते थे, देवी को सिद्ध करने की उनकी चेष्टा थी, कोशिश रहती थी कि देवी को वो अपनी साधनाओं के द्वारा सिद्ध कर लें। तो इसलिए उन देवी को उस जगह पर वो जपते थे बाद में जहाँ मंदिर बना, तो वहाँ पर वो अधिकतर जाकर के देवी वज्रयोगिनी की साधना किया करते थे। भगवान शिव के काफ़ी बड़े भक्त थे वो, इसी प्रकार वो वज्रयोगिनी देवी की साधना एक बार कर रहे थे, गुप्त तरीके से गुप्त साधना में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक लाल सिंदूर से सनी हुई बहुत ही तीव्र ज्वाला प्रकट किए हुए एक देवी सी वहाँ पर लड़की, जो छोटी सी बच्ची, उनके सामने से आ गई और वो जा रही थी तो उसको देख करके अचानक से इनकी आंखें खुल गईं और इन्होंने अपनी साधना वहीं पर रोक दी।
वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। वह तारा रूपिणी देवी वज्र योगिनी ही थी और वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तभी वो तालाब के किनारे पहुंची और उस तालाब में वो प्रवेश कर गई। उस तालाब में प्रवेश करने के बाद उनके पीछे पीछे ये भी तालाब के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। तभी वहाँ पर एक बड़े से अजगर सर्प ने इनके हाथ को डस लिया और अपनी शक्तिशाली जो है कुंडली में उनके हाथ को पूरा लपेट लिया और धीरे धीरे करके उनके शरीर को लपेटने की कोशिश करने लगे। इस वक्त वो चिल्लाने लगे और उनके मुँह से उन्हीं देवी का नाम निकलने लगा। अपनी उस स्वरूप को देख करके अचानक से उनके अंदर ममता जाग रही और क्योंकि उग्र तारा के रूप में देवी उस जलाशय के अंदर प्रवेश की थी तो वहीं से वो बाहर निकल आई और उन्होंने बहुत ही क्रोधित होकर के उसी वक्त उस अजगर का को पकड़ के उसे बीच से चीर दिया, उसका नाश कर दिया। छोटी लड़की के रूप में उनके सामने आई और उनको अपनी गोदी में उठाकर उड़ती हुई उसी जगह पर लेके आई जिस जगह पर वो साधना कर रहे थे। उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। उस बच्ची को देख करके उनके अंदर बहुत ही मन में प्रेम भाव जागृत हुआ और उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो? मैं तो तालाब के किनारे जो है पड़ा हुआ था, वहाँ मुझे अजगर ने पकड़ लिया था। तो फिर वो देवी बोली कि आपको उस अजगर से एक देवी ने बचाया है और उनकी कृपा से ही तुम जो है बच पाए हो। उनकी साधना और उपासना करो और उन्हें प्रसन्न करो, निश्चित रूप से वो तुमको वरदान देंगी। इस पर वो बोलने लगे कि अब वरदान क्या लेना है मुझे, मैं तो केवल साधना और उपासना उनकी किया करता हूँ, उनकी भक्ति चाहता हूँ, उनकी साधना करके उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अगर कुछ देना ही होगा तो तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची वो मुझे दे देंगी और जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ हों ऐसी कोई कन्या मुझे प्रदान करें। तो उस समय देवी ने तुरंत ही वहाँ पर उन्हें दर्शन दिए और विशालकाय रूप बनाते हुए कहा कि तुम्हारी अगर इच्छा है तो मैं तुम्हें एक कन्या देने जा रही हूँ, लेकिन चूँकि तुमको जिस सर्प ने काटा वो असल में एक राक्षस था, इस कारण से तुम्हारे रक्त भी दूषित हो चुका है। अगर तुम कोई भी कन्या पैदा करोगे तो उसके अंदर एक महान दुर्गुण होगा, उस महान दुर्गुण से वो कभी नहीं बचेगी। उस महान दुर्गुण को से तुमको उसको हमेशा उसकी रक्षा करनी होगी, उसे समझाना बुझाना होगा और उससे तुम्हें हमेशा उसको बचा के रखना होगा। तो फिर उस बात पर खुश होकर के शंभुनाथ ने कहा, माता आपकी कृपा से भला किसी का क्या बुरा होगा, इसलिए अवश्य ही मैं अच्छी से अच्छी कन्या का पिता बनूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। इस पर वो प्रसन्न होकर के उग्रतारा देवी ने, जो कि वज्रयोगिनी के नाम से जानी जाती हैं और बहुत ही बड़ी तांत्रिक देवी के रूप में भी उनको माना जाता है, उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, अवश्य तुम्हारे सामने दो स्त्रियां आएंगी, उनमें से चयन करना। अगर तुमने सही स्त्री का चयन किया तो तुम्हें अति पवित्र कन्या प्राप्त होगी और अगर तुमने दूषित स्त्री का चयन किया तो फिर तुम्हें कन्या तो प्राप्त होगी, उसमें शक्तियाँ भी होंगी लेकिन उसका दुर्गुण दूर नहीं होगा, वह एक दुर्गुण से भरी रहेगी। इस प्रकार देवी वहाँ से कह के अदृश्य हो गई। अब चूँकि शंभुनाथ ने सोचा कि अब उनको माँ ने आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से उनको आने वाले समय में दो स्त्रियों की प्राप्ति होने वाली है, इन दोनों स्त्रियों में से मुझे एक का चयन करना होगा और अपनी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि अगर मैंने गलती की तो मुझे जो कन्या मिलेगी उसमें एक दुर्गुण होगा, अगर वो दुर्गुण चला जाता है तो ऐसी कन्या स्वयं देवी स्वरूप होगी और क्योंकि मैं उसका पिता हूँ इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाऊँगा और शक्तियों से भर जाऊँगा, क्योंकि ऐसे पुत्री का पिता बनना बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। यह बात सोच करके वो अपनी साधना में इसी प्रकार लीन हो गए। करीब एक वर्ष तक उन्होंने इसी प्रकार साधना की और अपनी साधना में एक दिन तल्लीन होकर के वो बैठे हुए थे। तभी वहाँ जोरों से बारिश आ गई। बहुत तीव्र बारिश आने की वजह से अब उनको किसी जगह स्थान लेना था जहाँ पर जाकर के वो अपनी बारिश से बच सकते, तो वो भागते हुए जा रहे थे क्योंकि उस जगह उन्होंने साधना संपन्न की थी। साधना संपन्न करने के कारण से वह जगह को उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि बारिश तेज़ी से हो रही थी तो सब चीज़ें धुल जाने वाली थी और आसपास कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर वो शरण ले पाते। वो भागते हुए से जा रहे थे तभी सामने उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बैठी हुई स्त्री दिखाई पड़ी।
उसको देख करके वो वहीं पर रुक गए और उससे कहने लगे कि आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं, पेड़ से भी तो पानी नीचे आता रहेगा और पत्तियाँ कितना बचाएंगी आपको। तो वो कहने लगी, नहीं मैं अपने इसी स्थान पर रहूँगी और आप जाना चाहें तो आगे जा सकते हैं, लेकिन चयन आपका होगा। उसकी बात को सुन करके उन्होंने कहा, ठीक है मैं आगे जाता हूँ और आप अपने इसी स्थान पर बैठे रहिए। तो उस स्त्री ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मत जाइए, कोशिश करिए कि आप यहीं रुक जाए। पर उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और वो भागते हुए आगे चले गए। इसके बाद थोड़ी दूर पे एक छोटी सी कुटी बनी हुई थी और उस कुटी के सामने एक कन्या बैठी हुई थी, जैसे कि पेड़ के सामने एक बैठी थी, ठीक उसी तरह वहाँ पर भी एक कन्या बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही थी। उसने दूर से ही उन्हें हाथ देकर बुलाना शुरू कर दिया। ये कुछ समझे नहीं और उसकी ओर दौड़ते हुए चले गए। जब वो उसके पास पहुँचे तो उसने कहा कि आप अंदर आ जाइए, क्योंकि आप बारिश में भीगते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप ज़्यादा देर भीगेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ सकते हैं। उसकी बात को सुन करके उनको अच्छा लगा कि चलो इसने मुझे बुलाया है, और वो उसके साथ अंदर बैठ गए जाकर। तभी उन्होंने कहा कि आप के लिए मैं अपने पिता के सारे वस्त्र दे देती हूँ, उनको आप पहन लीजिए और अपने जो है बदल लीजिए कपड़े वगैरह। तो इस प्रकार से उन्होंने जब उसको कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और वो उनके पास में जाकर के, क्योंकि उन्होंने आग भी अंदर जलाई हुई थी, वो पास बैठ करके एक दूसरे को देखने लगे। क्योंकि कन्या बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी तो उसको देख करके शंभुनाथ के मन में प्रेम उत्पन्न होने लगा। शंभुनाथ ने सोचा कि यह कन्या अगर इतनी मददगार है तो क्यों ना मैं इससे ही विवाह कर लूँ। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, तो उन्होंने धीरे धीरे करके उससे बातचीत करनी प्रारंभ कर दी। वह कन्या भी पूरी तरह से आतुर थी। थोड़ी देर बाद उसने भोजन पकाया और तभी उसे भोजन में अजीब सी महक आने लगी। शंभुनाथ ने कहा, क्या पकाया है? तो उन्होंने कहा, आप खा लीजिए, यह मत सोचिए कि क्या बनाया है, क्योंकि यह सब सोचने विचारने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। उन्होंने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया और वो रसीले पदार्थ को पी लिया। उसको पी लेने के बाद में उन्होंने कहा, मैंने हिरण का जो है मांस पकाया था और उसको पूरी तरह से तरल में बदल दिया था, इसकी वजह से आपने उसको पिया है और बहुत ही ज़्यादा आपको स्वादिष्ट भी लगा। पर शंभुनाथ ने कहा कि ये तुमने क्या किया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं हिरण के मांस को खाऊंगा, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ और यही सोचता था कि शुद्ध शाकाहारी रहना ही मुझे रहना है, क्योंकि भोलेनाथ का भक्त हूँ, सिर्फ देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं जो है उनकी साधना उपासना किया करता हूँ, पर मेरा शाकाहार में ही विश्वास है और मैं मांसाहार नहीं खाता हूँ, यह आपने क्या किया है? तब उस कन्या ने कहा कि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर आपकी जो गलती आपसे हो गई है उसको कभी भी नहीं सुधार पाएंगे। इस बात को छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया, आप मेरे पिता के वस्त्रों को पहन लीजिए। और इस प्रकार से उन्होंने उसके पिता के दिए हुए वस्त्रों को पहन लिया। अब बात रात्रि सोने की आई। उन्होंने कहा, मैं कहाँ पर सोऊं? तो वो कहने लगी, मैंने घास फूस बिछा दिया है और क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं आपके साथ ही आपके ही बगल में लेट जाऊंगी। आप इस बात से बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और ना ही इस बात के लिए कभी संकोच कीजिएगा कि मैं आपसे आप मुझे नहीं जानते। उसकी बातों में इतना अधिक आकर्षण था कि शंभुनाथ ने ये सोचे बिना कि वह किसी अकेली स्त्री के घर में इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार कर रहा है, वह उस घास फूस में लेट गया। साथ ही वह स्त्री भी उसके साथ में लेट गई। चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे करके बदलने लगा और उसी दौरान ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों के बीच में संबंध बन गया। इन संबंधों के कारण से ही सुबह जब शंभुनाथ उठा तो कहने लगा, हाँ ये मैंने क्या कर दिया। तो वह कन्या बोलने लगी, अब आपने जो किया है सो किया, अब आपको मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। फिर शंभुनाथ ने कहा, अवश्य ही, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करने की बात मानता हूँ। और शंभुनाथ ने उसकी मांग भर दी। फिर दोनों का विवाह हो गया और साथ ही साथ वो दोनों बहुत ही खुशी से रहने लगे। तभी एक दिन दरवाजे पे खटखटाहट हुई। शंभुनाथ ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ पर वही लड़की खड़ी है जो एक दिन वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और
वह जो है अब मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। उसको देख करके ही अचानक से शंभुनाथ को आश्चर्य हो गया। शंभुनाथ ने कहा कि आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? उसने कहा, मैं आपकी रक्षा करने आया हूँ। आप जिस स्त्री के साथ में रह रहे हैं वह एक राक्षसी है और बहुत सारी विद्याओं में महारत उसको हासिल है। आपने कहीं उससे विवाह तो नहीं कर लिया है? क्योंकि अधिकतर वह विवाह कर लेने के बाद में पुरुषों का वध कर देती है। तब शंभुनाथ को होश आया और शंभुनाथ ने सोचा कि इस संबंध में देवी ने उसे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में दो स्त्रियां आएंगी, अगर तुमने गलत चुनाव किया तो तुम ही इस बात को भुगतोगे। मुझे ये सोचना चाहिए था कि अकेली स्त्री मुझे क्यों बुलाएगी और इस तरह की लज्जाहीन स्त्री के साथ में मैं कैसे विवाह कर लिया और ऐसे स्थिति पैदा हो गई। शंभुनाथ ने कहा, यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत गलत होने वाला है। तब वो स्त्री बोली, गलत होने वाला नहीं, गलत हो चुका है और मैं सिर्फ आपके प्राणों की रक्षा करने आई हूँ। मुझे भी देवी का वरदान मिला था कि अगर तुमने जब भी कोई तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सुंदर पुरुष मिलेगा, अगर तुमने उसका हाथ पकड़ा और वो रुक गया तो तुम उसकी पत्नी बन जाओगी और उसकी पत्नी के दार जब बन के तुम कुछ समय बाद एक सुंदर पुत्री को जन्म दोगी, अगर तुम ऐसा कर पाई तो, वरना तुम्हें सिद्धि भी नहीं मिलेगी और पति भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा था। लेकिन देखिए समय का खेल, आपने एक राक्षसी को चुना, मुझ जैसी एक मानवी को नहीं चुना। इस प्रकार शंभुनाथ ने अद्भुत आश्चर्य किया और कहा, यह क्या है, ये तो बहुत ही गलत हो गया। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो उसकी पत्नी बनी हुई राक्षसी थी वह तुरंत ही सुअर के रूप में बदली और वहाँ से तीव्रता से भाग गई। शंभुनाथ चिल्लाता हुआ उसे पुकारने लगा, लेकिन वह सुअर के रूप में वहाँ से भागती चली जा रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे और वह उस स्थान को दूर तक लेती चली जा रही थी। उसकी गति को देखकर शंभुनाथ समझ गया कि निश्चित रूप से मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब वो उस स्त्री से बोलने लगा कि इसका कोई विकल्प नहीं है। तब उसने कहा, विकल्प नहीं है, यह तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ चुकी है कि कहीं अगर आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए होंगे तो फिर आपको एक संतान की प्राप्ति होगी और वह संतान आपको जंगल में वह छोड़ करके चली जाएगी। शंभुनाथ ने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी। अब उन्हें सारी बात याद आ गई कि देवी ने क्या क्या कहा था। अब उन्हें यह भी पता था कि अब जो पुत्री उन्हें प्राप्त होगी उसके अंदर एक दोष होगा। तभी अगले दिन शंभुनाथ उसी कुटिया में रहते हुए उस स्त्री के साथ में बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे। वह स्त्री उन्हें काफ़ी कुछ समझाने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दुख में थी। तभी दूर किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस ओर शंभुनाथ और वह स्त्री बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही विशालकाय पेड़ है, उसके नीचे एक कन्या जो नवजात कन्या है वो पड़ी हुई है। उसको देखकर शंभुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। आगे क्या हुआ हम लोग जानेंगे अगले भाग में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।